प्राचीन काल में हमारे देश के मद्र देश पर अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। इनकी कन्या का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत सुंदर और गुणवती थी। उसके पिता चाहते थे कि सावित्री को बहुत अच्छा पति मिले। एक बार सावित्री तीर्थ यात्रा को गई। वन में उसका सत्यवान से परिचय हुआ। सत्यवान के पिता किसी समय शाल्व देश के राजा थे। उस समय वे वन में तपस्या कर रहे थे। दूसरे दिन सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। अश्वपति बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्हें यह पता लगा कि सत्यवान की आयु अब अधिक शेष नहीं है, तो वे बहुत दुखी हुए। लेकिन सावित्री अपनी बात पर डटी रही। अंत में अश्वपति ने विवाह की अनुमति दे दी। सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। एक बार वन में सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द उठा और वह बेहोश हो गया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को वापस भेजना चाहा, किंतु सावित्री ने यमराज का पीछा न छोड़ा। यमराज ने सावित्री को अनेक वरदान भी दिए, किंतु सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को फिर समझाया और उससे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। यमराज अब फिर आगे चल दिए, किंतु सावित्री वापस नहीं लौटी। अब तो यमराज का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने फिर सावित्री को लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, धर्मराज, आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को आप अपने साथ लिए जा रहे हैं, तब यह कैसे हो सकता है कि मैं पुत्रवती हो जाऊं? यमराज को अब अपनी भूल मालूम हुई। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सत्यवान जीवित हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सावित्री की तरह सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। आइए इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर भी हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सावित्री कौन थी, उनका विवाह किससे हुआ था? तो उत्तर लिखिए, सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी, उसका विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दूसरा प्रश्न है, सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान से क्यों नहीं करना चाहते थे? तो उत्तर अभी हमने पढ़ा है, सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान से इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत कम थी, उसकी आयु और एक साल बची थी। तीसरा प्रश्न है, सावित्री ने यमराज से कौन कौन से वर मांगे? सावित्री ने प्रथम वरदान में मेरे सास और ससुर देखने लगे और उन्हें उनका राज्य मिल जाए। दूसरे वरदान में मांगा कि मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। और तीसरे वरदान में मांगा कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, यमराज ने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ दिए? तो यमराज ने सत्यवान के प्राण इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने भूल से सावित्री को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था और यह सत्यवान के बिना संभव नहीं था। हमारा पांचवा और अंतिम प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अभी हमने तुरंत ही पढ़ा है कि सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले मनुष्य कठिन कार्य करने में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये सावित्री से रिलेटेड एक चैप्टर, जिसमें हमने सावित्री का जीवन परिचय देखा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में भारतीय संस्कृति के कुछ अग्रदूतों के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी हमारे इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।